हेलो एवरीवन वीडियो टी को देखिबा पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं जदि वीडियो टी शेष पर्यंत भल लागथाय तले गोटे लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। आज आमे सप्तम श्रेणी जीव विज्ञान रो सप्तम अध्याय वंशानुक्रम और विवर्तन रो सेकंड पार्ट वीडियो पढ़िबु। एक संकरण परीक्षण मेंडल प्रथमे एक जोड़ा विकल्पी गुण को नहीं तांकर परीक्षा आरंभ करथिले। संकरण करिबा पूर्वरु मेंडल देखिबा को पाइथिले जे वंशानुक्रम रे प्रत्येक जोड़ा विकल्पी गुण रो गोटिए प्रभावी डोमिनेंट और अन्यटी अप्रभावी रिसेसिव भाव प्रकटित होता है। किसी डेगा टल और किसी गेड़ा ड्वार्फ मटर गछ को नहीं मेंडल लक्ष्य कले केतेक डेगा गछर हो मंजि केवल डेगा गछ और समस्त गेड़ा गछर मंजि केवल गेड़ा गछ ही होती। मेंडल एगुड़ी शुद्ध डेगा प्योर टल और शुद्ध गेड़ा प्योर ड्वार्फ आख्या पैतृक गछ भाव व्यवहार कले। एम संकरण कर तहीं जत मंजि मध्यवर्ती पीढ़ी में मेंडल केवल डेगा गछ पाइले। तेणु मेंडल कल्पना कले गुणगुड़िक प्रत्येक गछर जोड़ा आकार रही अर्थात डेगा गछर कैपिटल टी और गेड़ा गछर स्मल टी भाव रही जो थे डेगा गुणटी प्रभावी और गेड़ा गुणटी अप्रभावी। प्रथम पीढ़ीर एफ वन गछगुड़िकर गुण दुईटी कैपिटल टी स्मल टी भाव रही डेगा गुणटी टी प्रभावी हो गेड़ा गुण टी प्रकाशित हो पारना। एफ वन गछगुड़िकर स्वपरागण कर संग्रहित मंजि को एफ टू पीढ़ी भाव में बढ़ाई से देखिले जे सही पीढ़ी में उभय डेगा और गेड़ा गछ रही प्राय प्रत्येक चारोटी गछर तीनोटी डेगा और गोटे गेड़ा गछ देखा मिलूँ अर्थात डेगा और गेड़ा गछर अनुपात 3:1 रही। अन्य विकल्पी गुण जथा मंजीर रंग छुईर आकार इत्यादि को नहीं मेंडल देखिले जे एफ टू पीढ़ी में सब क्षेत्र में प्रभावी और अप्रभावी गुण विकास अनुपात 3:1 रही। यह से एक संकरण अनुपात मनो हाइब्रिड रेशियो बोली आख्या देले जेटा मन रखिए एक संकरण अनुपात हूँ कौन 3:1 तहीं मेंडल वंशानुक्रम संपर्क में दुईट नीति और गोटे नियम उपस्थापन कले। तो कौन ना एफ टू पीढ़ी में प्रभावी अप्रभावी गुण विकास अनुपात के 3:1 तेणु एक संकरण अनुपात एफ टू पीढ़ी में देखा। एकक गुण नीति प्रिंसिपल ऑफ यूनिट कैरेक्टर प्रभावी गुण नीति प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस पृथककरण नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एकक गुण नीति कौन यह नीति अनुजाई उद्भिद रे विकसित होता प्रत्येक गुण गोटे लेखाएं कारक व फैक्टर द्वारा नियंत्रित हुए। यही कारक मैंने सर्वदा जोड़ा जोड़ा पेयर हो रही था जथा डेगाई कैपिटाल टी गेड़ा स्मल टी हलदिया कैपिटाल वाई शगुआ स्मल वाई इत्यादि प्रति जोड़े दुईट एक प्रकार कैपिटाल टी स्मल टी कि दुईट विकल्प कारक कैपिटाल टी स्मल टी रही था। अर्ध विभाजन समय तन्मध्य गोटे प्रत्येक युग्म को जाए और युग्म गठन समय पुणी दुईट युग्मकर कारक मिसी एक जोड़ा कारक होता है। कैपिटाल टी हूँ शुद्ध पूरा एकदम शुद्ध डेगा रोचे स्मल टी हूँ शुद्ध गेड़ा तो दुईटा कारक सब गोटे दूसरी आ स्मल टी कैपिटाल टी स्मल टी जोटा रोचे से दुईट विकल्प कारक रोच गोटे कैपिटाल टी रु आसत आ गोटे स्मल टी रु आसत। प्रभावी गुण नीति यह नीति अनुजाई संकरण पर एफ वन पीढ़ी में दुईट विकल्प कारक मध्य गोटे मात्र कारकर प्रभाव परिलक्षित होता है जहाक प्रभावी कारक कहुए अन्य कारकटी प्रकट न हो अप्रभावी कारक भाव में लुचि रही है। प्रभावी कारकर अनुपस्थित केवल अप्रभावी कारकटी प्रकट होता है। उदाहरण स्वरूप शंकर डेगा उभय कैपिटाल टी और स्मल टी रही कैपिटाल टी प्रभावी कारक हो गछगुड़िक डेगा होता है। केवल शुद्ध गेड़ा स्मल टी गछर मंजि सर्वदा गेड़ा गछ उपदेशांति कारण से प्रभावी कारक टी न थाए तो स्मल टी तार गुण प्रकाश से अप्रभावी कारक निजर गुण प्रकट करें। ग्रेगर मेंडल मेंडल 1822 मसीह ऑस्ट्रिया एक गरीब कृषक परिवार जन्मग्रहण करते अर्थ भाव से उपयुक्त शिक्षालाभ कर वंचित होते गिर्जार धर्मजाजक रूप कार्य करुवा बेले से मटर गछर उत्तराधिकारण बा इनहेरिटेंस अनुधान करते जड़े विचक्षण गणितज्ञ तथा पसारे एक गणित शिक्षक हो प्रत्येक गछर थी यही गुणगुड़ी को गणना कर से परिसंख्यन भित्तिक हिसाब करते यार फलकूल को गाणितिक सूत्र प्रकाश करते। 1857 रु 1865 दीर्घ 8 वर्ष काल गवेषणा कर मेंडल वंशगति संबंध में केतेक मौलिक तथ्य को वंशगति नियम बा लॉज ऑफ हेरिडिटी बा उत्तराधिकरण नियम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भाव में उपस्थापन करथिले।
ମେଣ୍ଡାଲଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୃତ୍ରିମ ସଂକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରରୂପୀ ଓ ଜିନ୍ ପ୍ରରୂପୀ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ିରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିସଂଖ୍ୟାନମୂଳକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିନଥିଲେ ଓ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ ମେଣ୍ଡାଲ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ 1865 ବ୍ରୁନ୍ ସୋସାଇଟି ଫର୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଇନ୍ସରେ ପାଠ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1866 ଫର୍ଜୁଖେନ୍ ଉଇବର୍ ଫ୍ଲାଞ୍ଜେନ୍ ହ୍ୟୁବ୍ରିଡେନ୍ ନାମକ ଏକ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନଥିବାରୁ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥିଲା 1844 ମେଣ୍ଡେଲ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ 1900 ତିନି ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡିଭିସ୍ ସେରମାକ୍ ଓ କରେନ୍ସ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପୁନଃ ଆବିଷ୍କାର କଲେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଫେସର ବା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିବା କିମ୍ବା ଗବେଷଣାଗାରର ସୁବିଧା ପାଇନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ଓ ଫଳାଫଳର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ତତ୍ତ୍ୱର ବଳିଷ୍ଠ ଉପସ୍ଥାପନ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୈଜ୍ଞାନିକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇପାରିଛି ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଯାଏଁ ପଢ଼ିବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୃଥକୀକରଣ ନିୟମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ